बाहर निकल तू। जी मौसी। कहाँ थी तू? मौसी काम कर रही थी, आप जो काम बता। क्या काम कर रही थी तू? मौसी बर्तन साफ कर रही थी, आप जो बता के गए थे। तू बर्तन साफ कर रही थी? मुझे तेरा फेस को देख के लग तो रहा नहीं है कि तू काम ही कर रही थी। हैं? इतनी जो सजी धजी रहती है किस लिए रहती है तू? हैं? किसको दिखाती है? जाके चुपचाप काम कर ले वरना ये डंडे से ना तेरी टांगे छाड़ दूंगी मैं, बता रही हूँ मैं। और जाके मेरे लिए एक अच्छा सा गर्मा गर्म खाना बना के मेरे रूम में लेके आ। जी मौसी। जी मौसी की बच्ची जा, बाहर निकली आओ महारानी जरा। जी मौसी बुला रही थी। जी मौसी की बच्ची, ये लिफ्ट पकड़ कल से और जाके पानी भर के लेके आ, ठीक है ना? मौसी आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मरी तो नहीं तू, जिंदी बैठी है अभी। हैं? मौसी की बच्ची, मौसी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हैं? खाने के लिए तो तेरे पेट में दर्द नहीं होता। हैं? सोने के लिए फसर फसर तो तेरे पेट में दर्द नहीं होता। हैं? मर तो गई तेरी माँ, लेकिन छाती पे मुझे, मेरी छाती पे तुझे छोड़ गई। तू भी उसके साथ ही चली जाती तो। अब जा चल यहाँ से, पानी भर के ले गया। एक मिनट के अंदर अंदर वापस आ जाएगी, मतलब बाल पकड़ के घसीटती हुई लेके आऊंगी। पानी ले आती हूँ फिर दवा। अरे बाबा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटी। बाबा जी आप आ गए? हाँ आ गया बेटे। बाबा जी आप अंदर जाओ, तो मैं पानी लेने जा रही थी। पानी लेने जा रही बेटा? जी बाबा जी। अच्छा अच्छा जल्दी आ जाइए ना, सही से लिए ये पानी। हाँ, और चाय पानी बना के रखे आई बेटा? हाँ बाबा जी सारा काम हो गया। चल तो तू ठीक है। बेटा एक बात पूछूं? पूछो बाबा। बेटा तू आज कुछ परेशान सी लग रही है मेरे को, अजीब सी, मतलब कोई बात है तो मुझे बता, कोई बात है तो। बाबा कोई बात नहीं है। तो फिर आज ऐसी ही लग रही है तू, नहीं तो खिलती फिलती सी रहे, खूब उछल कूद सी मचाए। आज तू ऐसे लग रहा है जैसे तेरे सिर पे कितना बड़ा बोझ है। अगर है तो बेटा मुझको बता, मेरी लाग जो होगी मैं वो करूँगा तेरे। बाबा जी वो नई माँ है ना, वो हमें उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, पूरे दिन काम करवाती हैं और कितना भी काम कर लें, पिताजी तो रहते नहीं हैं। अब उनसे भी हम कुछ नहीं कह पाते। अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे जबरदस्ती पानी लेने भेज दिया। कह रही है खाने के लिए नहीं होता, काम के लिए तेरे दर्द होता है। जब ही तो मैं कहूँ कि तू ऐसे कैसे आ। चल आज मैं भाई ये देखूँ, बात करूँ बात से कायवा के मन में, कैसे तू छोरी परेशान कर रही है। बाबा जी आप कुछ मत कहना, कभी आपसे भी उल्टा सुलटा बोले। अरे मुँह तो कब बोलेगी बेटा, मैं घर को जाऊँ मुखिया हूँ तो मैं इतनी ना कह सकूँ, ऐसे थोड़ी है कहाँ के मींच के रहूँगा घर में, ये तुम पे उजलम मन दूंगा। बेटा जब जिम्मेदारी है तो तुम मेरी तो बात पूरी तो मैं ही करूँगा कि वो करेगी, खर्चा मैं दे रहा हूँ, सब बात मैं दे रहा हूँ, तो वो थोड़ी करेगी। बस घर में ही तो देखा भाली कर रही है, जिम्मेदारी मैंने लगी है तुम्हारी तो मैं उठाऊंगा कि वो उठाएगी। सब काम काम कराने को तो जिम्मेदारी तो निभाने बालकन के संग। पानी ले आऊं तुम आके? हाँ। चाय दे दूंगी मैं, ठीक है? ठीक है बेटा ठीक है। जी बाबा। अरे बहू बाहर निकल, जाने और हाँ दिमाग खराब कर रखो है। बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जे बता तू वह छोरी चौन टेक लगन दे रही घर में। कौन सी छोरी? जो हमारी अधिकार नातनी। अच्छा, कौन सा तरीका है तेरे वासी पे हर काम करवाएगी? अभी वो छोटी है भाई, हिसाब से देखे करके। हाँ रह रही है घर में, हमारी जिम्मेदारी है हमें पूरी, तो और अब्बा को अच्छी तरह रखना चाहिए। अच्छा, और तू तो बाकी बाकी छुट्टिया में तिल करे चली जा रही है, करे चली जा रही है। उसके जज बन के आये? हाँ जज बन के आए हैं। तो ऐसा है, उसकी सिफारिश लेना बंद करो और उसके कहीं पीले हाथ करो। चलो तो बेटा ऐसा है कि जब लड़का मिले होगा जब ही तो रिश्ता करूंगा कहीं बाप। अरे अच्छा कर, देखने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा। है ठीक है ना, फालतू की रोटियां तोड़ रही है वो। हाँ तुम्हारे बाप ने देखो तो अच्छे ही घर देखो, हमारा घर जब करो। मेरे बाप ने पैसा दिया है ठीक है ना, ऐसी शादी नहीं कर दी है तो हम अपनी बेटी को अच्छे से ब्याह करेंगे। तो तू कुछ देखनी चाहिए कि हाँ अब जे ये हमारी जो कुछ है, तेरे कितना सहारा लगाते काम को धंधे को, बिगर कहे तू आपको प्यार देगी ना, वो तेरा एक ना अच्छे काम करेगी और बढ़ के तो रानी बना के और बैठा रहेगी जब तक जिंदगी भर तक का ठेका ले रखा है मैंने। बेटा जिंदगी भर का तो कोई ना, कौन की रुखी है, राजू की ना रुखी बेटी, तो तुझे कहाँ रुखेगी हम पे। और फिर घर का काम कर देती तो क्या हो गया, लड़कियाँ घर के काम करते नहीं? बेटा करने और कराने में बहुत फर्क है, तुम अच्छे से बोलोगे चला दी ना। तो बेटा तुम में कमी है जाई मारे तो। ऐसा है उसकी सिफारिश लेके मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारी एक बात सुन ले बेटा, आज तू बाके संगे खुआरी खुआरी ना करेगी कछु बाकी, समझ गई? बाकी चैन ते रह लंदे जब तक हते वो,
जिम्मेदारी मेरी है, मैं सब काम कर रहा हूँ, ब्याह शादी में ही करूंगा, तुम पे भोजना बना दूंगा। तो तुम सोचोगे तुम्हें देने पड़ेंगे देला फेला, मैं कर लूंगा इतना तो मेरी जमीन जाया तो तुम्हें ना दूंगा, ससुरे अपनी नातनी है दूंगा सब कुछ। तो ऐसा ना कर लो कि उसे लेके अलग हो जाओ ना। कई को अलग है जाऊ तुम है जाओ अलग, तुम्हें बाप बता रही है तुम से। ये अलग वारी, जा अपना काम करो। मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ, लेकिन आइंदा मुझसे वो उसकी सिफारिश लेके आओगे तो दोनों को धक्के दे दूंगी। हाँ देख ले धक्का वारे। मेरा नाम है अघोरा और मैं दुष्टों को सजा देने वाला बाबा हूँ, और जो भी मेरे रास्ते में आज तक आया है मुझसे कोई नहीं बच पाया, क्योंकि मेरा क्रोध मेरी अपेक्षा से भी ऊपर है। किसी द्वारे से भिक्षा मांगता हूँ, यही द्वारा नजदीक है, इसी से मांग लेता हूँ। बेटी भिक्षाम दे, बेटी पुत्री तेरे द्वारे पे सन्यासी बाबा आया है। बाबा प्रणाम। खुश रहो पुत्री, खुश रहो। बाबा आप भिक्षा में क्या लेंगे? पुत्री सम्मान से जो तुम इस भिक्षा पात्र में डाल दोगी वही हम सम्मानजनक यहाँ से ले जाएंगे। जी बाबा तो हम अभी लेके आते हैं। बिल्कुल पुत्री, मुझे लगता है ये पुत्री कष्ट में है, इसके चेहरे से जाहिर हो रहा है कि ये थोड़े से कष्ट में है, लेकिन ये मुझे बताना नहीं चाह रही, लेकिन मैं इससे पूछ के देखता हूँ। लो बाबा। पुत्री इतना महंगा आभूषण, इतनी महंगी मुद्रा, सोने की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा तुमने हमें दे दी। पुत्री मांगो, क्या मांगती हो? बाबा तुम्हें पूरा पूर्ण आशीर्वाद दे दिया जाएगा। कुछ नहीं चाहिए बाबा, हमारा है ही कौन, हमारी जो माँ थी वो भी चली गई, अब हम सबका क्या करेंगे, इतना तो हम भी पहनते हैं, थोड़ा आपको दे दिया तो हमारा कुछ नहीं जाएगा बाबा। पुत्री ये तेरा बड़प्पन है कि दान में तूने एक स्वर्ण आभूषण दिया, वो भी पहली बार मैं तेरे द्वारे पर आया हूँ, तूने मेरा इतना सम्मान दिया हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो मांगेगी वो तुझे मिलेगा, बता तुझे क्या परेशानी है, तू मुझे बता, ये बाबा उसका हल समाधान तुझे जरूर दे के जाएगा। बाबा परेशानी है अब तुम्हें क्या बताऊँ, हमारी सौतेली माँ है वो हमें बहुत परेशान करती है और बहुत मतलब हर बात पे टॉर्चर करती है, कोई भी काम नहीं करती, हम सारे काम करते हैं, और हम चाहे तकलीफ में हो, चाहे दर्द हो, चाहे परेशानी हो, सब कुछ हमसे ही करवाती है बाबा, हम कहाँ जाएं क्या करें। पुत्री और सबसे उल्टा सीधा बोलती हैं। पुत्री तू निश्चिंत रहे, मुझे पता है तू बहुत बड़े कष्ट में है, और उस कष्ट का निवारण मेरे पास है, इस अघोरा के पास है, मैं तुझे एक पुड़िया दे के जाऊंगा, उस पुड़िया को तू उस जो तेरी सौतेली माँ है या जो भी है उस पुड़िया के अंदर एक ऐसी वस्तु होगी, उसको तू अपनी माँ के चारों तरफ बिस्तर के चारों तरफ छिड़क देना, भगवान उसका भला करेगा और उसका दिमाग एकदम सुकून से भर देगा, और वो तुझसे कभी कोई परेशानी नहीं दे पाएगी। रुक पुत्री अभी मैं तुझे वो पुड़िया देता हूँ। शिव 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 अघोरा चंडाल। पुत्री इसको अपने अपने साथ ले जा, और रात्रि के समय इस पुड़िया में से जो भी वस्तु निकले वो अपने माँ के बिस्तर के चारों ओर फैला देना, और भगवान ने चाहा तो तेरी माँ की बुद्धि एकदम स्वस्थ हो जाएगी। जी बाबा। बाबा वो हमारी सौतेली माँ है। कोई बात नहीं पुत्री, वो तुझे अब तेरी खुद की माँ से भी ज्यादा प्रेम करने लगेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास जी है। बाबा यही चाहते हैं हम। तूने एक सन्यासी को प्रसन्न किया है, सन्यासी तुझे कभी दुख देने नहीं देगा, और जा मेरा आशीर्वाद तुझ पे जीवन भर बना रहेगा। जी बाबा। अलग निरंजन। मौसी के कमरे में तो कोई नहीं है, एक काम करती हूँ जल्दी से फैला देती हूँ, फिर आ गई तो पता चल जाएगा, जल्दी से जाती हूँ कमरे में फैला दूंगी। अपने कमरे में चली जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये बदबू कहाँ से आ रही है मेरे कमरे में, इतनी गंदी स्मेल। अरे कामनी, ए कामनी, कहाँ गई लड़की, ए कामनी। जी मासी। जी मासी की बच्ची, क्या मेरे कमरे में इतनी स्मेल आ रही है? मासी पता नहीं कैसी आ रही है। जल्दी से मेरा कमरा साफ कर, इतनी बदबू आ रही है, तुझे पता है कि मैं पूरे में वैसे भी सेंट छिड़क के सोती हूँ, और कितनी स्मेल आ रही है, जब बाल्टी उठा के ला। जी मासी मैं साफ करके रूम अभी तुरंत साफ कर मेरे सामने। मासी आप मेरे कमरे में आराम कर लो, मैं धो के फिर आपको रूम फ्रेश। तेरे कमरे में क्यों आराम कर लूं मैं,
मैं बाहर बालकनी में बैठी हूँ, ठीक है ना? जी मौसी, मैं सब साफ कर दूंगी। हाँ जी मौसी, आप बाहर चलिए, आप मौसी बाहर चले आओ बालकनी में। अरे बेटा। जी बाबा। अरे बेटा जी, जी क्या कर रही है तू? जिन काम ने चौक करते है ये करने के हैं तेरे? बाबा मैं साफ सफाई कर रही हूँ कमरा। सफाई और घर में कब मर गए सब रे? जो तू को सब काम दे दो, सब काम तू ही करेगी और कोई ना कर सकेगा काम में? बाबा मैंने सब लोग घर सुबह साफ कर दियो, फिर भी मौसी यूँ कह रही है पूरा धो के दोबारा पोछा लगा। हाँ मौसी के बाप की नौकरानी लग रही है ना, तो सब काम तुझ पर कराएगी। तू जो काम मत करेगा मना कर देगा, मुँह पे नहरो बाबा। फिर वो मारते हैं उल्टो सीधा बोलते मारे बाकू, आज बार पकड़ के मारूंगा। हाँ वही जो है मानने वाली बाकू, मैंने वैसे समझा दो और ना मानेगी तो अंग्रेजी में ही समझाऊंगा बाकू, बाकी हो भाई की दिखाऊंगा औकात के। बाबा बालकोनी में बैठी हूँ। हाँ कहूँ बैठी हो मरन दे, और तू काम मत करेगा जी, झाड़ू पोछा तेरे काम ना है, जाकू दिखेगी जो बैठेगा उठेगा वो करेगा। तू बाकी बाप की नौकरानी लग रही है, सो कमरा धोएगी बाकू, बाप खुद ना हो कुठिया सी पड़ रही है वो। है जा तू अंदर जा और देखूंगा वो कछु कहेगी तो तुझसे भाई, ये देखूं जाके अभी कौन आएंगे। अरे ओ बाबू यहाँ आ तू, माँ बैठी है चौधराइन मन के है मकाए तेरे माँ बैठी का। भड़कते क्यों मेरे ऊपर? भड़क रहा यूँ हूँ कि तेने बालोड़िया की मट्टी खराब कर रखी है, संग में हमारी कर रखी है। मैंने कहा को उसने अपने आप अपनी मट्टी खराब कर रही है। आप कर रही कही है, तू माँ का कर रही बैठी बैठी है? क्यों क्या कर रही थी? तेरी नौकरानी लग रही है, तेरे घर की सफाई करेगी, तेरे आंगन की सफाई करेगी, तू काई लिए इतनी है? तुझे काया तेने काम ले ले। मुझे एक बात बताइए, तड़क भड़क के मेरे ऊपर चढ़ चढ़ाई करते हो ने कहा तो तुम्हें ये समझे मैं इस घर की बहू हूँ। अरे बहू है जब तो तू इतनी दिन आते झेल ले हम है, तो तू बाकी नाक में दम चौक करते, मैं तेरे हाथ छू ले। तरीके से स्मेल आ रही थी और सफाई तो वो ही करती है मेरे कमरे की। इसमें ला रही तो तू खुद ही कर सके जा काम है। क्यों करूं मैं? एक दफा करवा ली, दो दफा कराई तो देखनी चाहिए क्या बराबर की है, सियानी सोनी नौड़िया है। देखो बाप जी काम करवाते अपने बिस्तर फिस्तर झड़वाते, ये अच्छी बात है। मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये है कि मैं क्यों करूं घर का काम, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूं, जो मैं करूंगी तो बहुत ही नौकरानी ना है। तो नौकरानी से कम भी नहीं है। तूने तो यही समझ रखी है कि बाकी माँ आए तो तेने अपना पूरा पूरा सोते लपन निभाया बाकी संग। अब उसकी माँ, अब उसकी माँ ना होने का तो मेरा तो उसमें कोई कसूर नहीं है। अरे वो ना है जब तो बाकी मट्टी खराब हो गई, भाई भाई से तू आ गई ऐसा है, ज्यादा अपना मुँह चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है अब वो रहा दरवाजा और निकल जाओ यहाँ से, और अगर ज्यादा बकवास करी ना तुम्हारी टांग तुम्हारी नातनी की दोनों की काट के ना बोरे में भर के गंगे में। अरे तू माँ फेंकी है ये कहूंगा, देखेंगे तुम्हें कितो दम है, तू हमारी टांग छटवाएगी ऐसा हो देखेंगे, तेरो इंतजाम करेंगे। सोच तो हमने भतेरी लई है मगर हम यही चाह रहे कि ना करें, मगर सोचते सोचते ऊपर चले जाओगे। अरे हमारे जाएंगे दुश्मन तुम जैसे जाएंगे, जा तेरो इंतजाम करना। तो हवलदार जी, हाँ जी, सारे डिटेल आपने इसमें लिख लिए हैं कॉपी में? सारे लिखे हैं। और कोई शिकायत तो नहीं है हमारे इसमें क्षेत्र में जिसमें हम ड्यूटी दे रहे हैं? कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत तो नहीं है, एक बार और सोच लो, कोई कुछ लिखा तो नहीं है इसमें? नहीं नहीं। अरे वो हाँ हाँ हाँ, एक शिकायत ये है। क्या शिकायत है? जोर से बोला करो हवलदार। यहाँ पे क्या गाय बाजारों का बड़ा वो है? अच्छा गाय बाजारों का बड़ा आतंक है इसमें? हाँ, आतंक होता है इसमें ये। अरे तो इसमें तुमने इसमें क्यों उतार लिया? नहीं, ये लिखना जरूरी है। अरे तो इसमें थोड़ी नहीं, आप डायरेक्टली नगर निगम को कॉल करते, नगर निगम वाले आते वो देखते वो ऊपर को, हमें कुछ दिखाना भी तो है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारी छुट्टी कैसी हो। चलिए आप चिंता ना करें, इसको हम नगर निगम को कॉल कर देंगे, बाकी की आगे की तहदीकात करते हैं। कोई हमारे क्षेत्र में कोई गुंडागर्दी तो नहीं हो रही है? कोई और तो नहीं है इसमें? और नहीं है। चलो तो आओ, आइए आइए आगे। तो ये इनको नगर निगम। अरे राम राम इंस्पेक्टर साहब, राम 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 बाबूजी, राम राम। आज तो सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया है बाबूजी। तुम तो अपनी ड्यूटी सही से पूरी कर रहे हो, मेरे घर में होना देख रहे नहीं आपको। अरे आपके घर की तरफ क्या हो गया आप? अरे बस पूछो मत इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ कि मेरी तो बड़ी मट्टी खराब कर रखी है बहू ने। अरे बहू ने? हाँ मेरी बहू जो है बाने मेरी मट्टी खराब कर रखी है, और पल पल पे धमकी देगी, घर से लिख रहो, घर से लिख रहो, घर से लिख रहो। आपसे? हाँ। अच्छा तो मुझको एक काम बताओ। क्या? कि मैं बाकी नाम रिपोर्ट करना चाह रहा। आप अपनी बहू के नाम रिपोर्ट करना चाह रहे? हाँ, बाने मेरी नाक में दम कर रखी है, मगर मुझे तरस आते मेरी नातनी पे, बाकी तो और ही ज्यादा कर रही है, झाड़ू पोंछा कराते। अच्छा तो आपने एक भी बार उनको समझाया नहीं? अरे मैंने बहुत समझा ला, मगर वो
वो तो ये सोचते है कि जब बुढ़े कम मर जाए जे बस चले तो मुझे झेर दे के मार दे तो जो रिपोर्ट करना फिर बहुत बनता उनके लिए। वो तो भैया अपनी जान को खतरा है, मेरी नातनी को जान को खतरा। नहीं 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 बिल्कुल रिपोर्ट रिपोर्ट लिखो रिपोर्ट। हवलदार नाम बताओ। ओमपाल 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 ओमपाल। अच्छा और बहू रानी रानी रानी। और आपके वो जो छोटे वाली जो रथ बनाओ आपका डंडा। अरे वो तो बना रहे हैं बाबू जी। हाँ। पता है हमें, आप उनका नाम बताइए जिनके ऊपर वो जो अत्याचार जो हो रहे हैं। बाका हाँ। रेखा रेखा पूरा रेखा है। अच्छा अच्छा कौन कौन नाम है? अरे विजय नातनी है हमारी। वैसे तो जाते काम नहीं कहते हैं। अच्छा अच्छा ऐसे पढ़ाई लिखाई में सब रेखा नाम है। चलिए चलिए तो कामनी के नाम से ही जो पुकारते हैं घर में। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा है अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं तो कौन चलो तुम ना अभी चलो तुम मेरे घर तो फिर ऐसा अभी चलते हैं इनके घर अभी इनके केस को सॉल्व करते हैं। आइए आइए हवलदार आइए आइए बाबूजी। जो मैं बता रहा हूँ सौतेली माँ है बाकी है ना भाई भाई की ज्यादा ने खिंचाई करी है। अच्छा। जो का पोई घर है और मैं ये सामने जो सफेद कलर से वो हो रही है। अच्छा जाई में अच्छा मैं आवाज दे लेंगे। हाँ पहले बुलाएंगे दो बहू हमारी है और मैं तो इधर वालों इंस्पेक्टर साहब। हाँ मैं तो जा ना सकूं। अच्छा नहीं वो मेरी धो दो उजरी करेगी वो बेइज्जती करेगी तुम्हारे सामने और तुम्हें देख के तो और वो तीन बांस चढ़ जाएगी मोहल्ला वाले ने इकट्ठो कर। बाबू जी आप चिंता ना करें तुम आप घर 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 पता है अवलदार एक मिनट सामने बाबू जी आप चिंता ना करें वाला तो कोठो बनो है। अरे अरे इधर वालों है कोठी है उनकी। अच्छा इधर वाली कोठी। अरे कोठी ऐसा है बाबू जी मैं बताऊं कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें मैं हूं मैं जब जा रहा हूं ऐसा हाँ, है हाँ। आप जाएंगे आप चलेंगे हमारे साथ? ना 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 मैं ना जा रहा नहीं तो वो मेरी खुआरी कर देगी चार आदमी ने इकट्ठा कराई मेरी बेइज्जती करेगी। आप, वो आप इतनी उतार है कि हद से ज्यादा वो तो हम देख लेंगे कैसा क्या है मामला। ठीक है हाथ जोड़ने वाली बात नहीं है आप जाएं और हम जाते हैं। जा रहा हूं ठीक है चुपचाप देखूंगा। ठीक है ठीक है और हम जब जाएंगे तो आपसे मिलते हुए जाएंगे आप। हां बाबू जी हाथ में जो भी बात होगी। हां आइए हवलदार आइए हवलदार। हां जी अरे है कोई घर में? अरे घर में है क्या कोई भाई? हां बोलिए। हाँ जी मैम रानी जी किसका नाम है? जी मेरा ही नाम है। आपका ही नाम है? जी। पकड़िए आपके नाम FIR दर्ज हुई है। किसने लिखवाई? कोई ओमपाल जी हैं कोई? ओमपाल जी तो मेरे ससुर हैं। जी उन्होंने FIR लिखवाई है आपके नाम। उनकी इतनी हिम्मत जो मेरे नाम कंप्लेंट लिखवाने चले गए। कंप्लेंट इसलिए लिखवाई है कि हाँ। आपकी सरासर गलती है। वो कैसे? क्योंकि आप इस गलती में अंदर भी हो सकती हैं। अच्छा और हाँ। बाहर भी हो सकती हैं। बाहर तो आप हैं लेकिन मैं अंदर कर दूंगा आपको। मजाक में मत लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा हाँ। एक तो ये है कि उंगली नीचे करके बात करें आप। आप समझ सकती हैं मैं वर्दी में बात कर रहा हूँ एक इंस्पेक्टर हूँ और आप एक। अरे तो इंस्पेक्टर साहब ये तो बताओ मेरा कसूर क्या है? कसूर क्या है? आपके नाम सरासर FIR में लिखा हुआ है कि आप जो ओमपाल जी की जो बेटी है पहली पत्नी की जो बेटी है आप दूसरी पत्नी है। जी ठीक है और उनपे आप अत्याचार करती हैं। अत्याचार करती हूँ? अत्याचार का मतलब आप उनपे काम कराती हैं घर में समझती हूँ और आप खुद कुछ नहीं करती हैं। अरे तुम्हें लग रहा है कि मैं घर का काम नहीं करती हूँ? मैं तो उसे बहुत प्यार से रखती हूँ। मतलब कि कोई एक बड़ा बूढ़ा आदमी कोई बड़े बूढ़े सज्जन वो झूठ बोलेंगे आपके बारे में? हो सकता है झूठ भी बोल सकते हैं। अच्छा हाँ तो आप सच बोल रही हैं ये पक्की बात है? अच्छा तो एक बात बताओ उनकी बात पे विश्वास हो गया आपको? क्या उनकी बात पे भरोसा हो गया? तो कोई इंसान जब अंदरूनी आदत से जब कहता है ना तो विश्वास स्वयं हो जाता है दूसरे इंसान को। एक अच्छा वो कामनी है कहाँ? वो कामनी वहाँ कंडे पात रही होगी। अच्छा आप हमारे साथ चलो केदार हमें लेके चलो उनके पास। चलो आइए। हाँ चलिए। कौन कह रहा था इस बात को? वो लड़की तो नहीं है वो काम कर रही है? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब वही है। बुलाओ बुलाइए उसे यहाँ बुलाइए। आप चलो घर पे। हाँ हाँ अब तो मेरे खिलाफ आग लगा के घर ही चलोगी। तूने और तेरे बाप ने जो साजिश रची है ना मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखा के दोनों बाप बेटी है ना पुलिस आई है मुझे अरेस्ट करने। समझ में आ गई ना? जा मासी मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तेरा ना मुंह तोड़ दूंगी अभी के अभी। चल जल्दी। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। हवलदार नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा आपका ही नाम है कामिनी जी? साहब हाँ ये माता जी है आपकी जी। अच्छा ये ऐसा है बिटिया रानी हमें बुलाने का एक आपका एक पर्पस था। आपके बाबा है ओमपाल? हाँ जी बाबा बाबा है बाबा जी।
तो उन्होंने FIR लिखवाई थी इनके नाम। अच्छा। ये आपकी दूसरी माता जी है जी। आपकी पहली माता जी नहीं है जी। है ना, तो ऐसा है कि ये आप पे अत्याचार करती हैं, जैसे कि ये आप काम करके आ रही हैं अभी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हाँ। ये तो मेरी माँ पूरा घर का काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। हाँ। तो मैंने कहा लाओ मम्मी मैं डाली आती हूँ। अच्छा। तुम बाद में पा देना गोबर। अच्छा। मैंने कोई काम नहीं करती, मैं तो पढ़ने जाती हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। अच्छा। नहीं बेटी देखो, ऐसा है कि आपके बाबा जो ओमपाल जी हैं, उन्होंने हमें सारी जो खबरें हैं वो सब हमें बता दी हैं, और इनके नाम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हमें बोला है, क्योंकि ये आप पे जुर्म करती हैं। अगर आप इस बात के लिए मना कर रही हैं तो मैं एक बार को मान लेता हूँ, लेकिन बेटी अगर कोई बात है भी तो आप मुझे बता दें। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। बल्कि मेरी माँ तो मुझे माँ की कमी भी फील होने नहीं देती, बहुत अच्छी है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मैं तो बस यही आया था आपसे तहदीकात करने के लिए कि आप यहाँ सुरक्षित हैं या नहीं है। मैं सुरक्षित अगर हूं, कोई बात और है। बाबा जी शायद आपको गलतफहमी हो गई है, और बाबा जी से शायद बोलने में मतलब कोई गलत हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने सुना। नहीं तो बेटी ऐसा, इंस्पेक्टर साहब आपको संतुष्टि मिल गई? हाँ जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो मतलब इस बात के लिए आया था क्योंकि ओमपाल जी ने FIR लिखवाई, और FIR आपको मालूम है कितनी वो होती है, कि पुलिस को खुद डाउट होता है उस शख्स पे, लेकिन अब मेरा जो डाउट था वो आप लोगों से क्लियर हो गया है। अब मैं चलता हूँ, अगर कोई बात हो बेटी या कुछ भी बात हो घर में तो हमें बताना। अब तो मेरी बेटी ने खुद बयान दिए हैं। हाँ नहीं नहीं मैं समझ गया, आप चिंता ना करें। अब ठीक है चलते हैं, हवलदार जी ये FIR को रद्द करो। हाँ रद्द करो, ठीक है। तो चल ठीक है, आइए हवलदार जी, फिर आइए आइए। चलो माँ जी घर चलते हैं, मेरी बच्ची कितनी अच्छी है, आज मुझे बचा लिया, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे ऊपर कितने अत्याचार करे, भगवान तेरी जैसी बेटी सबको दे। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, आज के बाद तुझे माँ की कमी कभी फील नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची आ। अरे 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 जिम्मी पैर के क्यों छू रही है आज? आज कहावत है रही से मेरे पैर छू रही है जे। बाबा जी मासी अब सही हो गई है, मासी को अपने करेगी मतलब पछतावा है बहुत। मासी अच्छा। कभी बुरा नहीं करेंगी हमारे साथ। अच्छा कल आ गई ठिकाने में जी बाबा जी। अब घर को घर समझियो, ठीक है बहू जी पिता। हाँ अब बेटी को बेटी समझो, वो तो मैंने पहले ही समझ ली। हाँ तो जे काम होते हैं बहू जी के तो ठीक है। और अच्छा, चलिए मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ बढ़िया सा। चलो बाबा जी, अब मासी खाना बनाएंगे और हम खाएंगे। बिल्कुल खाओगे, अब तो खाने पर आओ। मुझे लगता है अब वो पुत्री सुख में होगी, लाओ से एक बार पूछ भी लेता हूँ। पुत्री पुत्री। बाबा जी को नमस्कार। आशीर्वाद भव। आपकी कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, आपको दक्षिणा में देने आई हूँ बाबा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुत्री, और मेरा ये पूर्ण विश्वास था कि तेरे आगे कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इस अघोरा का जिसको भी आशीर्वाद लग जाए वो कभी दुखी नहीं रहता है। जी बाबा जी। अब कोई परेशानी नहीं? खाना नहीं नहीं पुत्री, हम भोजन तो प्राप्त नहीं करेंगे, बस तुम्हारे सम्मान के लिए आए थे। मैं तो केवल ये देखने आया था कि मेरी पुत्री कोई परेशानी में तो नहीं है। नहीं बाबा जी, आपका आशीर्वाद बहुत है हम पे। चलो पुत्री तुम बस खुश रहो, हमारे लिए तो यही बहुत है। ठीक है पुत्री, जाओ अंदर प्रवेश करो। जी बाबा जी। आलोक निरंजन। तो जो है हवलदार जी, तो ये हमारा जो एक केस सॉल्व हो गया यार, इसमें बड़ा इनकी जो बेटी का और इनके ये बाप ने जो FIR करा दी थी, चलो ये तो सॉल्व हो गया। इसे रद्द कर दी तुमने? हाँ सब हो गया। हाँ चलो सही है, और देखते हैं हम आगे जो भी और मिलेंगे तो उनको भी सब सॉल्व करने हमें केसों को। आओ अरे कैसे बाबा, कहाँ से आए हो? मैं बाबाओं की कोई भूमि नहीं होती, भिक्षा लेकर आया हूँ। एक बात बताओ बाबा जी। जी नमस्ते, पहले तो प्रणाम। नमस्ते। क्योंकि ऐसा है मैं बाबाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छी बात। और दूसरा नंबर ये है कि मुझे कुछ ऐसा है कि मुझे सरकार से कुछ ये भी एक वो शिकायत आई है कि बाबाओं की जो है ज्यादातर वो जो ठगिया ही ज्यादा चल रही है। पुत्र तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ लोग पापी है जो इस सृष्टि पर आकर और पाप करने से नहीं कतराते हैं, वो ढोंगी बाबा होते हैं जो लोगों के घर में घुसकर। कैसे बाबा? मैं ढोंगी नहीं हूँ, मैं ढोंगी नहीं, मेरा नाम है अघोरा। अरे तो ऐसे क्यों डरा रहे हो बच्चा है ये, ऐसे क्यों डरा रहे हो? कहां का बाबा? वो बना दो दरोगा जी, बन जाऊंगा मैं। बन जाओगे हवलदार,
शांत रहो के दरोगा जी बन जाओगे। एक बात बताओ, ये ऐसे अंतर्यामी दिखे बाबा? अंतर्यामी नहीं, अगर ऐसे ये अगर बाबा अगर दरोगा बनाने लग गए तो फिर ये डिग्रियां कहां जाएंगी? कौन कह रहा? बाबा तो हजर है। मेरा नाम अघोरा है और मेरी बाड़ी से जो एक बार निकल जाए रहता है। डर लग रहा है? तुम डरो मत, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ बाबा, अब बताओ, जो मेरी वाणी से एक बार निकल जाए वो सत्य होके रहता है पुत्र? सत्य होके रहता है? हाँ पुत्र। एक बात बताओ बाबा, अगर ये बच्चा अगर ये मैं दरोगा बन जाएगा तो जो पढ़ाई जो हम ग्रेजुएट करते हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं, पुत्र मेरा कहने का तात्पर्य वो नहीं है कि ये दरोगा बन जाएगा, मेरे कहने से दरोगा नहीं बनेगा, इसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उस मेहनत के लिए इसको आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। ये बात है बाबा, लेकिन बाबा ऐसा है देखो, आजकल जो है हम ज्यादा तैदीकात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन तैदीकातों में आपका नाम हो जाए और हम हवालात में कर दें तुम्हें अंदर। और ही बारी बात नहीं है, शांत रहो। एक सन्यासी का तुम अपमान कर रहे हो, एक अघोरी बाबा का तुम अपमान कर रहे हो। अपमान नहीं कर रहा हूँ, अब ये सरकार अपमान कर रही है, हम तो अपमान, भाई देखो हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बाबा, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और अगर हमें कोई ऐसी बात मालूम पड़ती है कि आपने किसी के साथ ठगा है, ये बात सही है, अगर इस बाबा के विषय में अगर थोड़ी सी भी तुम्हें गलतियां मिले तो बाबा अपने आप ही सूली पर चढ़ जाएगा। सूली पे चढ़ना पड़ेगा, चढ़ कैसे जाओगे? चढ़ना पड़ेगा खुद अपने आप। मुझे जाने दो, मैं मुर्दों की राख मुझे अपने शरीर पे लगानी है, मुर्दों की राख भस्म लगानी है कब्रिस्तान। लेकिन बाबा ध्यान रखना, ये बाबा कैसे है, मुर्दों की राख लगा रहे हैं ये? जल्दी लगाऊंगा।